भारत देश जवान हो रहा है, भारत की औसत उम्र आज मात्र 29 साल है, लेकिन हमने इस युवा भारत के लिए किया क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशन है। अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को जोड़ लें तो कुल मिलाकर 31 करोड़ आबादी भारत देश की स्टूडेंट्स कहलाती है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। लेकिन उन युवाओं के लिए हमने किया क्या, मैं बताना चाहता हूं कि इस व्यवस्था ने, सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया। 2 IPL हैं सर इस देश में। 1 IPL है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा IPL है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। और आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूं कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए, उसे बर्बाद करने का काम किया गया। और उस सूची में मैं नाम पढ़ के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या क्या हमने अपने देश के युवाओं को दिया है। पहला व्यापम स्कैम, दूसरा UGC नेट पेपर लीक, तीसरा तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हिंदी पेपर लीक, असम HSC LC जनरल साइंस पेपर लीक, उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पेपर लीक, गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम पेपर लीक, SSC CGL एग्जाम पेपर लीक, UP TET एग्जाम पेपर लीक, राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, UP PSC पेपर लीक, महाराष्ट्र HSC एग्जाम केमिस्ट्री पेपर लीक, UP पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाइंग एग्जाम पेपर लीक, रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स पेपर लीक, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी एग्जाम पेपर लीक, उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक, असम पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, बिहार बोर्ड का 10वीं कक्षा का भी एग्जामिनेशन पेपर लीक, तेलंगाना SSC एग्जाम पेपर लीक, कर्नाटक SSC LC एग्जाम पेपर लीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक, जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक, UP बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स और बायो का पेपर लीक, राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, और इस साल का नीट का 2024 का पेपर लीक।